बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर के दस्तखान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार मीठी रेसिपी, बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी रफेलो चॉकलेट की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है बनाना और बहुत यम्मी बनती है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलमंड लिए हैं तकरीबन 15 से 20 अदद। इनमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करूँगी और थोड़ी देर के लिए इनको रख दूंगी ताकि इनको ऊपर से छिलका नरम हो जाए और उसको हम उतार लेंगे फिर जी। अब हमने ले लिया यहाँ पर एक बड़े साइज का बाउल। इसमें मैं शामिल करूंगी 100 ग्राम ड्राइड नारियल। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा 100 ग्राम कंडेंस मिल्क। थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। कंडेंस मिल्क को हमने नारियल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है जी, और पूरा कंडेंस मिल्क हमने शामिल नहीं किया क्योंकि हमें इतना ही थिक ये बनाना था बैटर। तो हमने तकरीबन 100 से कम ही कंडेंस मिल्क इसमें शामिल किया है। अब जी बादाम जो हमने सोख करके रखे थे इनका छिलका हम उतार लेंगे। और इसको हम एक दूसरे बाउल में उतारते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी सारे बादामों के छिलके भी उतार लेंगे। बादामों का हमने छिलका उतार लिया है जी। अब मैं इनको एक पेपर के अंदर डाल के तो ड्राई कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी जो है वो ना हो जी। बादाम भी हमारे रेडी हो गए हैं चॉकलेट के अंदर लगाने के लिए। अब हमें चाहिए होगी वाइट चॉकलेट। तो 50 ग्राम यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट लिया और इसको मैं मेल्ट कर लूँगी जी। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और चॉकलेट को मेल्ट किया है मैंने गर्म पानी के ऊपर रखकर, और इसको डायरेक्ट माइक्रोवेव में रख के गर्म ना करिएगा क्योंकि उससे चॉकलेट का टेस्ट ना बहुत ख़राब हो जाता है। तो अब जी हम बैटर लेंगे जो हमने नारियल और कंडेंस मिल्क से तैयार किया था। 1 टेबल स्पून हाथों में लेंगे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लैटन करेंगे, ठीक है, फ्लैट हो गया। अब हम इसमें आलमंड रखेंगे मिडल में, ठीक है, और फिर फोल्ड कर देंगे ऐसे। फोल्ड करके फिर हम इसको एक बॉल की शक्ल में ले आएंगे। तो देखें ज़बरदस्ती एक बॉल तैयार हो गई है। बस अब हम इसको मेल्टेड चॉकलेट में डालेंगे। सबसे पहले व्हाइट चॉकलेट में कोट करने के बाद हम इसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने हाफ प्याली ड्राइड खोपरा अगेन लिया है और इससे मैं इसको कवर कर दूंगी बहुत अच्छे से। और देखिए हमारी एक रफेलो चॉकलेट तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसी तरह हम बाकी सारी भी तैयार करेंगे। आज की मज़ेदार इजी रफेलो चॉकलेट की रेसिपी तैयार है जी। देखा कितनी जल्दी हमने बना ली और कितनी मज़ेदार ये बनी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको इंजॉय करिएगा। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. जहाँ भी रहें खुश रहें।